बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान दोस्तों, जैसे कि आज हम अब्बास फार्म पे खड़े हैं और मेरे साथ मेहमान हैं, बावलपुर डिवीज़न से आए हुए हैं फाजल बमरो। ये खुद ज़मींदार है, वहाँ इनका रकबा है डिस्ट्रिक्ट रहीमिया खान में। तो इन्होंने भी गंदम लगाई हुई है 200-300 एकड़, तो यहाँ ये विज़िट करने आए। आज अब्बास फार्म इनको विज़िट कराया है। टोटल गंदम की जो वैराइटीज़ हैं, जो पंजाब की वैराइटीज़ हैं और सिंध की, तो आज हम इनको दिखा दें। यहाँ जो हमारी पॉपुलर वैराइटी जो सिंध में जो 25-30 साल से चल रही है TT1, अभी तक उसने अपना पोटेंशियल कम नहीं किया। इसमें रस्ट ज़्यादा आता है, इसलिए लोग जो है ना वो भाग गए। बहरहाल इस साल देखें, इसमें रस्ट भी नहीं है। और इसकी जो लोकेशन है, ये कैमरा की मदद से दिखाएं। फादर, आपने देखा कि दूसरी वैराइटीज़ में जिसमें थोड़ा बहुत मिक्सचर भी आ जाता है, इसमें देखें मिक्सिंग भी नहीं है। इसमें बिल्कुल मतलब ये प्योर है। हाँ, प्योर है। वैराइटीज़ भी है, प्योर है टोटल। मैंने देखी है, बाकी वैराइटीज़ भी देखी है, 500-600 एकड़ मतलब कास्ट की हुई है अंकल ने, सारी मैंने चेक की है। लेकिन उनमें से ये अभी तैयार भी है, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। इसमें और उन वैराइटीज़ में फ़र्क क्या है? वो लेट है हार्वेस्टिंग के लिए, अभी नहीं है, उनको 10-15 दिन दे रहे हैं। ये 4-5 दिन में तैयार हो जाएगी बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लिए। फ़र्क क्या है इसमें? हाँ देखें, ये 27-9 अपने अक्टूबर की काश्त है। ठीक हो गया, ठीक है। आज 18 अक्टूबर है, यानी ये 27 तारीख तक, यानी पूरे 120 दिन में इसमें, यानी ये अपना लग जाएगी। आप उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, हम तो डांटरा कहते हैं, यानी ये कटाई शुरू हो जाएगी। चार मंथ में, और जो भी आप वैराइटीज लगाएंगे वो 4 मंथ में नहीं पकती, वो आपको 140 दिन 150 दिन तक लेके जाती है। दूसरी भी वैराइटीज में गिरने का खतरा होता है, ठीक है, हवा लग गई, जकड़ लग गई तो गिरेंगी। उनका कद बड़ा होता है, कद बड़ा होता है, ये नहीं गिरेगी कभी। सही, अच्छा दूसरी बात, तो खाने के हिसाब से, यानी जो भी पाकिस्तान में वैराइटीज हैं, तो इनमें 2 वैराइटीज हेवी किस्म की अच्छी हैं, जो इनका मानी जो है ना वो आप पकाएंगे सुबह को तो शाम तक वो, यानी कड़क नहीं होगी, जैसी होगी वैसी पड़ेगी, वैसी नरम रह जाएगी। हाँ, नरम रहेगी। उसमें पहले नंबर पे आती है हमारी TJ83, और दूसरे नंबर पे GT1 आती है। इस जैसे रोटी किसी और वैरायटी की नहीं, जितनी भी आपकी पंजाब की वैरायटीज हैं या सिंध की दूसरी बनी हुई है, जिसमें इमदाद है, बेनज़ीर है, किरण 95 है, या अपने बकर स्टार है, फखर बकर है, इन सब में से इसका एक तो पोटेंशियल ज़्यादा है, दूसरा खाने में ये है। इस ये अर्ली प्योर है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो ये अर्ली में मैच्योर हो जाती है, दूसरा ये प्योरिटी इसमें काफ़ी है। प्योरिटी ये प्री बेसिक है, प्री बेसिक है, प्योरिटी काफ़ी है, खाने में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। मैं इसको हर साल लगाता रहता हूँ ताकि ये जो